नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पीएम किसान गोल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप में जाएंगे। प्ले स्टोर ऐप आपका खुल जाने के बाद आप सर्च ऑप्शन पर PM KISAN PM किसान स्पेस GOL लिखकर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सामने पीएम किसान गोल ऐप दिखाई देगा, जो NICE ई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप डेवलपर द्वारा बनाया गया है। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार देख ही रहे हैं आप कि हमारा पीएम किसान ऐप डाउनलोड हो रहा है। जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक सभी व्यूअर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए दोस्तों, इस तरह इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ से ओके करके टैब बटन को दबाकर हम अपने ऐप मेनू में जाके किसान ऐप को ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे किसान ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखाई देगा। अलाउ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा पीएम किसान ऐप डाउनलोड हो गया है सफलतापूर्वक मोबाइल में। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या-क्या सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस, दोस्तों इसके माध्यम से जो किसान आवेदन पहले से कर चुके हैं वो अपनी किस्त देख सकते हैं कि कौन सी किस्त आई है, कौन सी पेंडिंग है, वो सारी विवरण इसमें दिखाई देगा। आइए एक दिखाते हैं। जैसे एक आधार नंबर है, गेट पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर डालने के बाद गेट डिटेल इस तरह देखेंगे कि इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतने तारीख को आया, सेकंड इतने को आया, थर्ड इतने को आया और चौथा इतने का आया। इस तरह अपना बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद बैक जाएंगे। एडिट आधार डिटेल, जो भी पहले से आवेदन कर चुके हैं और लाभ पा रहे थे और बीच में उनका आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया है, वो अपना आधार यहाँ से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, इससे आप जो भी फॉर्म अभी तक आवेदन नहीं किए थे और अभी तत्काल में आवेदन किए हैं उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करके अपना स्टेटस जान सकते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुआ कि नहीं। आइए देखते हैं। गेट डिटेल पर आधार नंबर डाल के क्लिक करेंगे और इस प्रकार देखेंगे कि अभी यहाँ रिमार्क में पेंडिंग फॉर अप्रूवर एट स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी ये फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हुआ है लाभ लेने के लिए, अभी ये वेटिंग में है। बहुत जल्दी 2 से 3 महीने लगते हैं अप्रूव होने में, तब तक हो जाएंगे। और यहाँ पर
चौथा ऑप्शन है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसके माध्यम से हम नया आवेदन कर सकते हैं। जो भी किसान जिनकी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है, वो यहाँ से जो वंचित रह गए हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। अबाउट द स्कीम, स्कीम के बारे में सारी जानकारियाँ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ क्या 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 जानकारियाँ हैं इसमें आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। इसका वीडियो हमने पहले भी बना चुका हूँ, आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें अपवर्जन मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या क्या इसका लाभ प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भी इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन और है, पीएम किसान हेल्पलाइन। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल गई है और इसके पूरी जानकारी धीरे धीरे करके हम एक एक वीडियो में विस्तृत डिटेल से देंगे, जैसे एडिट आधार डिटेल कैसे करें, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये सारी जानकारियाँ हम विस्तृत में आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।